नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का का किचन में। आज मेरे बेटे आर्य का जन्मदिन है। आज वो 2 साल का हो गया है। 23 मार्च को उसका जन्मदिन आता है। पिछले साल हम लॉकडाउन की वजह से उसका जन्मदिन नहीं मना पाए थे। आर्य का ये पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। चलती हूँ मैं नल के पास, कुछ सब्जियाँ ली हूँ और इनको मैं धो लेती हूँ 1-2 पानी से अच्छे से। इधर हमने सारी सब्जियों को धो लिया है और सभी लोग हम मिलकर काम कर रहे हैं और सभी लोग हम इसको काट भी लेते हैं। इधर मम्मी पालक को काट रही हैं और आर्य की बुआ भी आई हैं, बड़ी बुआ। दीदी को तो आप लोग जानते ही हैं। और इधर मैं प्याज को काट लेती हूँ और दीदी भी प्याज काट रही हैं। इधर पापा भी बैंगन कटवाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। चूल्हे में जलाएंगे ईंधन को। उसके ऊपर रखेंगे एक पतीला। इधर हमने बासमती चावल को 15 मिनट तक बाल्टी में भिगो रखा था। अब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। पतीला हमारा गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम देसी घी। इसमें डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, साबुत खड़े मसाले डाल देंगे। जीरा और तेजपत्ते और हमारे जो खड़े मसाले थे वो लाल हो गए हैं। इसमें धुले हुए चावल को डाल देंगे बासमती। चावल को डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चावल पकने के लिए पानी। पानी डालने के बाद इसको हम चला देते हैं और इसको हम ढककर पका लेंगे। चावल हमारा 80% तक पक चुका है और नीचे थोड़ा बहुत पानी है, तो चूल्हे में का जो आग निकाल कर उसके ऊपर हम रख देंगे, जो पानी अच्छे से सोख ले और चावल भी हमारा सुनहा जाए। कढ़ाई में डालेंगे हम घर का अपना सरसों तेल। इधर दीदी आलू पालक बैंगन की सब्जी बनाएंगी, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो तेल में डालेंगी हींग और जीरा। इसमें डालेंगी तेजपत्ते, कटे हुए प्याज को डाल देती हैं, साबुत सूखा लाल मिर्च भी डालेंगी। तड़के को थोड़ी देर तक चलाकर लाल कर लेती हैं। तड़का लाल होने के बाद कटे हुए बैंगन को डालेंगे इसमें। साथ में कटे हुए आलू को भी डाल देंगी। ये सब डालने के बाद सब्जी को चला देती हूँ। अब इसमें कटे हुए पालक को डाल देती हैं। और थाली से ढक देंगी, पकने देंगी। थोड़ी देर बाद सब्जी को चला देंगी।
इधर हमारी मनीषा भाभी भी आई हैं, तो ये भी खाना बनाने में हमारी मदद करेंगी। तो ये पनीर को काट लेती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। आर को भी पता चल गया कि आज मेरा बर्थडे है, बलून लेकर मस्ती कर रहा है। पिंक कलर, पिंक कलर, ये पिंक कलर। सब्जी के बीच में जगह बनाती हैं और उसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगी। अब इसमें डालेंगी मसाले, हल्दी पाउडर, गरम मसाला डाल देती हैं, धनिया पाउडर डालेंगी इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालती हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हैं। चारों तरफ से इसको ढक देती हैं। और थाली से ढक देंगी। इधर छोटे वाले चूल्हे में हम ईंधन को चलाते हैं। इधर हमने रिफाइंड तेल डाल रखा है कढ़ाई में, इसमें हम पनीर को तल लेंगे। इधर दीदी बीच बीच में सब्जी को चलाती रहेंगी। इधर पनीर को हमने हल्का फ्राई कर लिया है, अब इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। आलू पालक बैंगन की सब्जी हमारी बन गई है, इसको चूल्हे पर से उतार लेती हैं दीदी और इसको एक बर्तन में निकाल लेती हैं। अब कढ़ाई में डालूंगी देसी घी। यहाँ पर हमने मखाना लिया है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे देसी घी में। मखाने को हल्का सा फ्राई कर लिया, इसको थाली में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। जीरा डालेंगे, इसमें डालेंगे खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ते डाल देते हैं साथ में, कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देंगे। हरी मिर्च को तड़के के साथ भून लेते हैं। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी साथ में हम भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद पीसे हुए प्याज को भी भून लेंगे। इधर पकौड़ी बनाने के लिए हमने पालक, प्याज और हरी मिर्च काट रखा है, ऊपर से हम बेसन को डाल देते हैं। अब इसमें मिलाएंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला डालेंगे इसमें, हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। हमने थोड़ा सा अजवाइन लिया, इसको भी हाथों से मसल कर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। पालक और प्याज में अच्छे से बेसन को मिला लेंगे। हल्का सा इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बेसन मिलाते रहेंगे।
इधर हमारा प्याज का पेस्ट भी भुन गया, तो इसमें पिसे हुए टमाटर को डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट को भी भूनेंगे। और कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड तेल। इधर सब्जी में डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और टमाटर के पेस्ट को भूनते रहेंगे थोड़ी देर तक। और इधर हमने गेहूं का आटा लिया है पूड़ियों के लिए, तो इसमें मिलाते हैं अजवाइन रिफाइंड तेल। आटे में इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, फिर पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेंगे आटे का। इधर हम पकौड़ियों को तलना शुरू कर देते हैं। टमाटर का पेस्ट हमारा अच्छे तरीके से भून गया है, इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें। मसालों को चला लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि हमारे मसाले जले ना। मसाला भुनने के बाद यहाँ पर हमने खोआ लिया है, इसको भी डाल देते हैं मैश करते हुए। खोआ को भी हम भून लेंगे साथ में। खोआ भुनने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के अनुसार। जो हमने पकौड़ियों को तले थे इधर सभी मेहमानों को हम दे देते हैं खाने के लिए। कितने हैं बाबू? टमाटर को भूनते समय हमने कम ही नमक डाला था, थोड़ा सा हम और नमक डाल देते हैं इसमें। अब सब्जी में हमारे उबाल आ गया, तो इसमें डाल देते हैं हम सब्जी मसाला और गरम मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसको हम चला देते हैं। जो हमने मखाने तले थे वो डाल देंगे सब्जी में और डालने के बाद इसको हम चला देंगे। तले हुए पनीर को भी डाल देंगे इसमें। पनीर को भी डालने के बाद एक बार इसको हम चला देंगे। सब्जी हमारी पक चुकी है, ऊपर से कटे हुए हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे। हरे धनिया की पत्तियों को डालने के बाद इसको हम चला देंगे। आरे हमारा तैयार हो गया है, अब केक काटने की तैयारी हो रही है। क्या
कृति दीदी कहाँ बलून है? ये चिपका है? कौन चिपकाया है? मामा मित्या भी इधर तैयार हो गई है। कैसे गिन रहा है टॉफी के साथ? अच्छे से। और केक भी आ चुका है। आर्य के साथ, आर्य के दादा दादी और उसके पापा साथ में केक कटवा रहे हैं। आर्य को केक बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो खा भी रहा है। आर्य को सभी लोग एक एक करके गिफ्ट भी देते हैं। आर्य बहुत खुश होता है। आर को सिर्फ बूम पसंद है, सभी लोग उसको बूम ही दे रहे हैं। केक काटने के बाद इधर पूड़ियों को तलना शुरू कर देते हैं सभी को खिलाने के लिए। चलिए अब हम खाना परोसना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को खाना खिलाएंगे। यहाँ पर आर्य का गिफ्ट सब खोल रहे हैं सारे बच्चे। पापा लेकर आए हैं बच्चे के लिए इतना सारा। आर्य अपनी बूम देखकर बहुत ही खुश होता है। ये चाहिए, इसको ये पसंद आ गया है, इसका फेवरेट। ये लाए हैं बूम, सबको मालूम है उसको बूम पसंद है। ये तो मेरा है। ये मित्या के लिए गिफ्ट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। कितना बूम है बाबू? कितना बूम?